तो गाइस अभी भिंडी की सब्जी बनकर, ये देखो गाइस मोटा आधे आधे करके, तो ये देखो गाइस मैंने भी पेठे की सब्जी के साथ। वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जपनूर व्लॉग्स। कैसे हो आप? बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस दिन की शुरुआत हो चुकी है, अभी मैं नहा धोके और यहाँ पर सिलेंडर वाले भी अभी आ चुके हैं। सिलेंडर चेंज कर रहे हैं क्योंकि सिलेंडर हो चुका था खत्म। भैया फटाफट कर दो चेंज। ये सारा खलारा यहाँ पर हो चुका है, सारा सामान अपने वापस जगह पे। ये अभी सिलेंडर वाले भैया जाते हैं। बाय बाय। मम्मा जा रहे हैं स्कूल, बैग और मॉडल लेके। बाय मम्मा। बाय बाय, हम चले गाँव। चले देखो ट्रेन छूट जाएगी हमारी। ओ कौन से गाँव जा रहे हो? मिलते हैं अगले साल। बाय बाय, जाओ अपने गाँव। बाय 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 बाय, मिलते हैं अगले। हेलो गाइस, फॉलो कर लो। क्या पी रहे हो? डुगू ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, बनाना शेक भी पी चुके हैं। ये एक्स्ट्रा था, मैंने बोला पी लो, फेंकना पड़ेगा, वेस्ट हो जाता, किसी ने पीना ही नहीं था, है ना। और पता नहीं इनको क्या शौक चढ़ा हुआ है, एक मूवी ये कल से देखने में लगे हुए हैं, वो पता नहीं कब खत्म होनी है। मेरे को बोलते हैं मेरे को सारा दिन में फोन मत करना, मैं मूवी खत्म करूंगा अपनी आज, है ना। कोई बात नहीं, अब करूंगी नहीं फोन। तो गाइस अभी यहाँ पे मैं भी ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। मैंने अपने लिए दो परांठे बनाए थे, बट वही ना पापा और बेटे की दोनों की गंदी आदत है बीच में जूठा छोड़ने की, तो आधा परांठा डुगू ने छोड़ दिया है बीच में। तो अभी डुगू की प्लेट में ही मैं ब्रेकफास्ट करने लगी हूँ, भूख लगी है बहुत जोरों शोरों वाली। तो मिलते हैं गाइस आपसे ब्रेक के बाद। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है 1:40 और मैं जा रही हूँ जप्पू को लेने। और सुबह से जैसे डुगू घर से बोल के गए थे ना कि मुझे आज फोन मत करना, मैंने मूवी देखनी है, तो वो सच में देख लो गाइस 1:40 हो चुके हैं। सुबह से एक बारी भी डुगू का फोन नहीं आया है, मैंने भी नहीं करना। मैं भी जा रही हूँ जप्पू को लेने, अब देखती हूँ मैं कब तक फ़ोन नहीं करेंगे और कब तक मूवीज़ देखेंगे बैठ के। तो मैंने तो फ़ोन नहीं करना, तो अभी मैं जा रही हूँ जप्पू को लेने। इतनी ज़्यादा गर्मी है गाइस, बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता। तो गाइस अभी मैं जप्पू को लेके आ चुकी हूँ निशा के घर पे। तो मिली हमारी छोटू की दूजे नैनी। चाय कर दो गाइस को, चाय। डांची 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 करो, टिंग टिंग लक लक नैनी, डांची करो डांची नैनी नैनी नन्नू नन्नू, आओ चाय करिए, चाय कर दो, चाय। आइज आइज मारो, आइज नैनी, आइज आइज क्लोज करके दिखाओ नन्नू, आइज क्लोज कर दे, चाय कर दे, चाय नन्नी नन्नी, चाय कर दे सबको, चाय करेगी, ऐच करो नन्नी, ऐच करो, आइज क्लोज कर दो, बड़ी मम्मा को आइज आइज क्लोज करके दिखाना, नहीं करनी चाह नहीं करनी नैनू। गाइस इसके भी अपने ही नखरे हैं, इसका दिल होएगा तो करेगा। अभी फर्स्ट क्लास कर रहा था, फोन ऑन किया तो बंद कर दिया। नो नो नो, फोन नहीं लेना, नहीं लेना फोन। तो गाइस अभी हम घर पे आ चुके हैं, बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं और मम्मी लाई है सब्जियों का भंडार। पसीना देखो आप कितना होता है, देख रहे हो? हाय गर्मी, उफ उफ गर्मी। तो अभी दिखाता हूँ मम्मी कौन सा भंडारा लाई है सब्जियों का। ये देखो यहाँ पे पड़ा है हमारा सब्जियों का भंडारा। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम इंस पे, खुल जा सिम सिम। तो ये है घिया, ये घिया है ना, हाँ ये है घिया साइड पे। हाय हाय हाय। और ये है भिंडी, टिन 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 टिन, अंदर इसके छुपी हुई है। आया बाहर आया बैंगन, टिन 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 टिन, बैंगन भी है, भिंडी भी है, और हमारी फेवरेट नहीं है जो सबसे आया, तो गोभी भी है, मैं निकालना नहीं चाहता, उसका रख देते हैं साइड में। और आ जाते हैं छल्ली पे। तो मम्मी हम नीचे गए थे ना, तो छल्ली भी ले आए थे, इसको हम खाएंगे रात को एक बारी भून के। ये है मेरी अकेले की, क्योंकि मैं भी छल्ली खाने लगी, पहले तो खाता नहीं था, मैं भी खाने लग गया हूँ। और ये है दूसरी छल्ली पापा मम्मी के लिए, मैं अकेले तो खाऊंगा नहीं, शेयर तो कर लूंगा। तो अभी यहाँ पर मेरा लंच भी आ चुका है, राजमा चावल साथ में पेप्सी।
तो मैं फटाफट से खा लेता हूँ क्योंकि लगी है बहुत तेज की भूख। और आज मैं थोड़ी देर सोऊंगा, उसके बाद पढ़ाई करूंगा। गाइस अभी मैं सो के उठ चुका हूँ और अभी मैं कर रहा हूँ स्टडी, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा सोने को मिलता है कम, स्टडियाँ और पेपर आ गए इसलिए उसी के हिसाब से मेरे को सोने को मिलता है। हनामा Yes. अभी आप क्या कर रहे हो? स्टडीज मस्ट इम्पोर्टेंट, मैं तो भिंडी बनाने लगी हूँ। भिंडी बनाओगे? ये माय फेवरेट इज भिंडी, लेडी फिंगर। सुबह लंच की का ड्रामा होता ना, इसलिए जब के लिए भिंडी बनानी पड़ रही है मुझे। Oh my God! तो गाइस अभी मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ा के हो चुकी हूँ फ्री, और यहाँ पे देखो जप्पू को लगाया हुआ पढ़ने के लिए, इसने ऊपर टी शर्ट पहनी, नीचे तो कुछ पहना ही नहीं, अल्ली दिया। और गाइस पानी चला गया, पानी दो दिन से नहीं आया, टंकी बिल्कुल खाली हो चुकी है, बिल्कुल भी एक बूंद पानी भी नहीं है। और रोटी सब्जी भी बनानी है, बर्तन भी धोने वाले हैं, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। और पानी आप ये लगा के चलो कि रात को 12 बजे से पहले तो कोई उम्मीद ही नहीं है पानी आने की, और अभी 7 बजे हैं, मैं ये सोच रही हूँ 5 घंटे कैसे सर्वाइव होंगे, पर करने पड़ेंगे, कोई और ऑप्शन ही है नहीं। भी यहाँ पे मैंने सब्जियां जो है वो काट के रखी हुई है, तो मैंने डुगू को पूछ लिया कि पानी वानी यूज होगा, बर्तन कैसे धुलेंगे, तो मैं सब्जियां बनाऊ। नहीं नहीं हरलीन, सब्जियां तो बनानी पड़ेंगी, बनाओ। तो अभी यहाँ पे मैंने भिंडी कट करी है, जप्पू ने सुबह लंच लेके जाना, उस चक्कर में जप्पू पेट में यहाँ पे बना रही हूँ पेठे की सब्जी, काफी टाइम के बाद बना रही हूँ, मेरे को अच्छा तो नहीं लगता बट डुगू को अच्छा लगता, तो इसलिए मैं बना रही हूँ पेठे की सब्जी बना रही हूँ, इसलिए तो तेरे लिए भिंडी बना रही हूँ मोटे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ जप्पू के लिए भिंडी, जो रात को भी हो जाएगी, जप्पू को और सुबह लंच भी ले जाएगा। और यहाँ पे मैंने पेठा कट कर लिया बारीक बारीक, और साथ में बारीक बारीक प्याज हरी मिर्च और अदरक भी कट कर लिया है। गाइस कई लोग खट्टा मीठा पेठा बनाते हैं, तो बट मैं आपको, आपने मेरे अगर पिछले व्लॉग्स में देखा होगा तो जो मेरे जो हम लोगों के पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो उनको पता होगा कि मैं जो पेठा है वो सिर्फ उसके अंदर प्याज अदरक हरी मिर्च का तड़का लगा के उसमें पेठा बना लेती हूँ, और उसके अंदर मैं और कुछ नहीं डालती, क्योंकि बाद में मैं पेठे की सब्जी बनाने के बाद उसके अंदर अंडे तोड़ के उसको अंडे की भुर्जी के जैसा बना के खाते हैं डुगू, तो अभी मैं वही बनाऊंगी और साथ में भिंडी की सब्जी बनाऊंगी। तो दोनों सब्जियां बनने के लिए रख दी गई है, यहाँ पर भिंडी बन रही है और यहाँ पर पेठे की सब्जी के लिए प्याज को जो है वो मैं ब्राउन करूंगी, और साथ में यहाँ पे हमारा पेठा ये वेट कर रहा है कि कब मसाला भुने और मैं डल जाऊं। तो गाइस अभी भिंडी की सब्जी बनकर हो चुकी है रेडी, और यहाँ पर पेठा तो अभी बन रहा है, अभी बन जाएगा, फिर मैं उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि क्या शक्ल आई है। ये देखो गाइस नीचे फिर से आ चुके हैं 10 के 4 गर्मा गर्म समोसे, 10 के 4 गर्मा गर्म समोसे। तो मैं नीचे जा रही हूँ, खाऊंगी, अम्मी थी बहुत। गाइस अभी 10 के 4 गर्मा गर्म समोसे ले लिए हैं, जप्पू यम्मी है 10 के 4 गर्मा गर्म समोसे। तो समोसे खाने के चक्कर में पापा को तो मिलवाए नहीं, तो मिलवाते पापा को। क्या बोलूं? कुछ कुछ बोलिया, गोल गप्पे ये देखो गाइस मोटा आधे आधे करके खाता, पूरा तो जाता नहीं, मेरे लिए भी आ चुका है। पूरा स्टाइल देखो एक बार गोलगप्पे खाने का, आधे आधे करके खाता है ये, और मुंह भी नहीं आता इसके, पूरा मुंह इसका मोटा हो गया, पर खाए से जाता नहीं है। तो अब आए हैं तिलक नगर मार्केट, देखते हैं यहाँ पे क्या लेते हैं। खाली भी हो गया मार्केट, ऐसे रोज मिलनी चाहिए खाली। अभी दिलवाता हूँ तो मैं जरूर दिलवाऊंगा, अभी मेरे साथ ऐसे क्यों करनी पड़ती है। यहाँ पे पर्स देखते हुए, तो गाइस आपने थोड़े दिन पहले देखा ही होगा कि 2-4 दिन पहले के व्लॉग्स में बैक में हमने निशा जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने गए थे, तो वहाँ पे हमने निशा जी को कुछ नहीं दिया था, बिकॉज हमें टाइम ही नहीं मिला था लेने का। सो आज हम उनके लिए गिफ्ट लेके आए हैं, उन्हीं के मतलब का। गाइस अभी मैंने निशा दी के लिए लिए हैं ये वाले 6 ग्लासेस, तो ये ग्लासेस तो वैसे ही सभी के घर पे मोस्टली यूज होते हैं पेप्सी वगैरह के लिए। और यहाँ पे इसको देखो लड्डू को, ओए क्या खा रहा है, क्या खा रहा है, नीनी क्या खा रहा है। ये देखो गाइस इनकी घड़ी टाइम बजा रही है 12:35। डुगू आपसे घड़ी का सेल बदलवाया जा रहा है, आप डुगू की हाइट बहुत लंबी है ना, इसलिए डुगू से काम करवाए जाते हैं। ये देखो गाइस डुगू स्टूल पर चढ़ चुके हैं और टाइम चेंज हो गया है, टाइम भी चेंज हुआ है।
सो गाइज अभी यहाँ पर कद्दू की सब्जी बनकर रेडी है और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है और इसी में मैंने भिंडी बनाई थी क्योंकि जैसे कि थोड़ी देर पहले आपको बताया कि टंकी में पानी खत्म हो चुका है तो जितने ज्यादा बर्तन जूठे होंगे वो धुलेंगे कैसे। तो अभी मैंने यहाँ पर कढ़ाई रख दी है, इसी के अंदर मैं पहले थोड़ा सा पेठा डालूंगी फिर उसके अंदर मैं एग डालूंगी तो बनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो गाइज मैंने अभी पेठे की सब्जी के साथ तीन अंडे और तीन अंडों के अकॉर्डिंग जितना नमक डालना चाहिए वो मैंने डाल दिया है। अब इसको अच्छे से हिला लेंगे। तो ये देखो गाइज अभी सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है और मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया भी डाल दिया है। एक बार आप लोग ट्राई जरूर करना, बहुत ही यम्मी लगती है। मैंने बिल्कुल अंडे की भुर्जी के जैसी लगती है, बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है। प्लीज़ आप लोग एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। तो गाइज अभी डगो के डिनर की प्लेट लग चुकी है। ये देखो अंडे वाली भुर्जी वाला पेठा, साथ में अचार, रोटी और साथ में मैंगो शेक। खाना खिलाने के बाद अब मम्मी भी खा रहे हैं खाना। हेलो माँ, कैसा बनाया है? एक नंबर। एक नंबर। अपनी सब्जी को कोई तो एक नंबर बोलेगा ना। ओके, तो साथ में बुआ का व्लॉग भी चल रहा है। तो हमारी आज का बस यही था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय। आई विल सी नेक्स्ट व्लॉग। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। टाटा बाय बाय। Thanks for watching. I will see you next vlog. Tata bye bye.